हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, आरएस अग्रवाल, क्लास 8, एक्सरसाइज 10A। तो बच्चों लौटे हम क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। कॉफी कॉस्टिंग ₹250 पर केजी वाज मिक्स्ड। बच्चों एक कॉफी है जिसकी कीमत कितनी है, एक किलो कॉफी है जो उसकी कीमत है ₹250, ठीक है, 250 है। उसे हमने मिक्स किया है विद कायसरी कॉस्टिंग 75 पर केजी। मतलब कि हमने कॉफी को और ये हमारा कायसरी है इन दोनों को मिक्स कर दिया। जो कॉफी हमारी उसका हमारा रेट क्या है, ध्यान से देखना, 250 पर केजी, मतलब एक किलो कॉफी 250 की होगी, ठीक है। उसी तरह कायसरी का रेट दे रखा है आपका, आप देख सकते हो ₹75 पर केजी, मतलब एक किलो के रेट होंगे ये, इन द रेशियो 5:2। और हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, हमारी कॉफी को और इसको हमने मिक्स किया किस रेशियो में, 5:2 फॉर अ सर्टेन ब्लेंड। तो ठीक है, हमें जो चीजें पता चल गई है वो कर लेते हैं जल्दी से आगे देखकर, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों आगे, यहां पर हम डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास कॉफी एक तरफ हमारे पास कॉफी है बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास कॉफी है और कॉफी का रेट दे रखा है आपका 250 पर केजी। जो कॉफी है हमारी वो इतने की जाएगी, 250 पर केजी। ये कॉफी है COFFEE कॉफी। कॉफी हमारी ₹250 की मिलेगी एक किलो, ठीक है। अब दिक्कत है कि सर ये कितनी है कॉफी नहीं पता, रेशियो दे रखी है ध्यान से। लेट सपोज हमें रेशियो दे रखी है, तो ये हो गया 5। कितनी है रेशियो, 5 है, तो 5 किलो कॉफी मान ली मैंने, 5 kg कॉफी हमारी, 5 किलो कॉफी है जो कि इस रेट पे जाएगी। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 5 किलो कॉफी यहां पे लिख देता हूं, 5 kg, ठीक है, 5 किलो कॉफी है हमारी, कितनी, 5 किलो, ठीक है भाई, यहां पर दे रखा है। अच्छा यार यहां पर ना मुझे इतना पता चल गया, देखो जो चीज पता चलती है मैं लिख लेता हूं यहां पर। 1 किलो कॉफी की कीमत है ₹250, तो 5 kg कॉफी कॉस्ट आ सकती है आराम से, हमें पता होना चाहिए ना 5 किलो। अब बच्चों कोई डाउट होगा कि सर आपने 5 कहां से ले लिया, देखो पहले कॉफी और कायसरी की बात होती है, तो कॉफी हमारी उसकी रेशियो 5 है, तो मैंने 5 किलो ले लिया, ठीक है, और हमारी कायसरी हम 2 किलो ले लेंगे, ठीक है। चलो भाई देखते हैं ध्यान से, हमारी कॉफी 5 किलो है, 1 किलो कॉफी की कीमत है 250, ठीक है बच्चों। तो हमारी 5 किलो कॉफी की कीमत क्या होगी, एक का आपको दे रखा है, एक से ज्यादा का निकालना, मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 250 को अगर 5 से करोगे आ जाएगा आपका 1250, ठीक है, ये आ गया ₹1250। तो हमारी कीमत आ गई ₹1250 की है, देख सकते हो आप, मैं लिख रहा हूं इसके अंदर ₹1250, ठीक है। चलो भाई कॉफी हो गया, अब हमारी जो कायसरी है उसकी कीमत क्या है और उसका दे रखा है रेट भी दे रखा है, तो मैं वो भी ले लेता हूं। ध्यान से देखना बच्चों यहां पर, ये हमारा कायसरी भी है जो कि हमारी, इसका रेट कितने रुपए है बच्चों, इसका रेट है 75 पर केजी, 1 किलो। अगर आप 1 किलो कायसरी लेते हो तो ₹75 दे रहे हैं, और आपकी टोटल कितनी है कायसरी आप देख सकते हो, 2 किलो है, तो आप ये भी निकाल सकते हो यार, अगर 1 किलो कायसरी की कीमत है ₹75, तो 2 kg आपका कायसरी कॉस्ट बच्चों, एक का आपको पता है, एक से ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोगों को पता होगा ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ₹150 आ गया। लो हमें पता चल गया जो 2 किलो कायसरी उसकी कीमत कितनी है हमारी, ₹150, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर ₹150। चलो ठीक है, और हमने इन्हें कर दिया मिक्स, हमने इन दोनों को क्या करा, मिक्स कर दिया। तो चलो भाई मिक्स कर देते हैं इन दोनों को, ये वाला और हमारा, और हमारा ये कॉफी ले ली हमने और हमारी ये कायसरी ले ली, और इन दोनों को कर दिया बच्चों मिक्स। मिक्स करने के बाद हमारा जो भी मिक्सचर है यहां पर तैयार हो गया है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना, आप लोगों को पता होना चाहिए, इनको मिक्स करके एक सर्टेन ब्लेंड करके हमने बना लिया, पूरा मिक्सचर बना लिया कॉफी का और कायसरी का।
पांच किलो तो कॉफी डाली है और दो किलो कायसरी डाली है, तो टोटल तो ये हो गया 7 किलो जो भी मिक्सचर बनाया हमारा पूरा, हमारा ये जो भी मिक्सचर तैयार हुआ है, हमारे इसमें 5 किलो तो कॉफी को डाला है और 2 किलो कायसरी को डाल दिया ठीक है, टोटल 7 किलो हो गया ना, 5 और 2 7 किलो। अच्छा बच्चों आप लोगों को पता है इसकी कीमत कितनी होगी, हमें पता अच्छे से 1250 रुपए और 150 रुपए के हिसाब से, आप देख लो इन्हें जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी कीमत कितनी आ रही है, 150 दो तीन चार और रुपये 1400 रुपए। ठीक है, मतलब कि जो 7 किलो का मिक्सचर है ना बच्चों, ये जो भी 7 किलो का मिक्सचर बनके तैयार हुआ है, ये हमें ये जो मिक्सचर है ये मिक्सचर हमें पड़ा है 1400 रुपए का। ठीक है, पूरी मिक्सचर की बात हो रही है बच्चों, कॉफी की अलग और कायसरी की अलग इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा मैंने, अपना पूरा मिक्सचर की बात कर रहा हूं मैं, मेरी सीपी ऑफ मिक्सचर क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, मेरे जो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितने रुपए पड़ी है मेरे को 1400 रुपए का, 1400 रुपए मेरी सीपी है, मेरे को इतने रुपए में पटा है खुद का है, मेरे को इतने में पड़ रहा है। अब वो कह रहा है आप इसे अगर बेचोगे ना तो 230 रुपए पर किलो के हिसाब से बेच रहे हो, 230 रुपए पर किलो के हिसाब से हमने इसे बेच दिया, हम इसे बेच रहे हैं इस पूरे मिक्सचर को, और इस मिक्सचर को हमने बेचा है किस रेट पे, रेट दे रखा है एट द रेट कितना है हमारा 230 पर केजी, मतलब कि अब जो मैंने मिक्सचर तैयार किया ना 7 किलो का, इसे बेचूंगा अगर मैं तो 1 किलो बेचूंगा 230 रुपए का। बच्चों ध्यान से सुनना, इस तरीके से हमारा सेलिंग प्राइस भी आ सकता है बड़ी आराम से, देखो ध्यान से, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर कितने रुपए में बिका होगा, देखो ध्यान से, हमें पता है 1 किलो मिक्सचर की कीमत हमारी 230 रुपए है, हमारा मिक्सचर टोटल कितना है 7 केजी, हमारा मिक्सचर कितना है 7 केजी, आप देख सकते हो 1 किलो का हमारा मिक्सचर दे रखा है 230 का, हमारा 7 केजी का मिक्सचर है, तो एक का आपको पता है एक से ज्यादा का निकालने के लिए आपको पता है मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं 7 को इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं और आपको बता देता हूं, 7 0 0 7 3 21 7 2 14 16, तो हमें पता चल गया 1 रुपए का बेच रहे हैं। ठीक है, तो बेचा कितने रुपए का, 1600 रुपए का, मतलब ये पूरा का पूरा मिक्सचर जो कि 7 किलो का है वो हमें 1400 रुपए का हमने खरीदा और बेच रहे हैं 1610 रुपए का। तो यहां से तो साफ पता चल रहा है सीपी हमारी 1400 है और एसपी हमारा 1610 है कि हमें तो हो रहा है फायदा, लेकिन हमें निकालना क्या है, या तो हमें फाइंड करना गेन या फिर लॉस परसेंट, हमारे को यहां पर गेन परसेंट मतलब कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बचा चुका हूं। ठीक है, प्रॉफिट ऊपर आता है बच्चों, नीचे आता है आपका सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, लेकिन हमें मालूम है कि 7 किलो का डब्बा हमने 1400 रुपए का खरीदा है और हम इसे बेच रहे हैं 1610 रुपए का, मुझे मालूम है फायदा है लेकिन प्रॉफिट कितना है हमें यही पता, तो चलो प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, हमने बेची हुई कीमत सेलिंग प्राइस माइनस खरीदी हुई कीमत सीपी, सेलिंग प्राइस आप देख सकते हो आपका 1610 रुपए है माइनस खरीदी हुई कीमत है आपकी 1400 रुपए, तो आपका प्रॉफिट आ गया है 210 रुपए का, प्रॉफिट आ गया 210 रुपए का, मतलब 210 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन हमें इसे परसेंटेज में बताना है तो 210 रुपए ऊपर लिख दिया। सीपी आप लोगों को पता है कितने रुपए का खरीदा, 1400 रुपए का पड़ा है मल्टीप्लाई बाय 100, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना बच्चों, 20 से तो 20 कट गई। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे 7 के टेबल से कट रहे हैं, ये 7 के टेबल से 2 वाली में और ये 7 के टेबल से 30 वाली में, अब अगर देखोगे ध्यान से तो ये 2 के टेबल से कट रहे हैं, ये 2 के टेबल से 1 वाली पे और ये 2 के टेबल से 15 वाली पे, है ना, अगर बेटा रुपया से रुपया कट गया तो आपको पता है यहां पर 15 और 1 बच रहा है, उनको मल्टीप्लाई करोगे 15 ही आएगा और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, परसेंट लगा दिया। तो बच्चों हमें पता चल गया इस तरीके से कॉफी का और इस कायसरी का मिक्सचर करने के बाद जो मैं बेच रहा हूं उसमें मुझे फायदा हो रहा है आपका 15% का फायदा, जल्दी से उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वॉटर बॉटल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वॉटर बॉटल्स, वो कह रहा है 16 बोतलों की जो पानी की 16 की बोतलें हैं ना,
16 पानी की जो बोतलें हैं उनकी सेलिंग प्राइस और 17 पानी के बोतलों की कॉस्ट प्राइस बराबर है। माने कि बच्चों कुछ ऐसा है यहां पर सीपी ऑफ 17 वाटर बॉटल्स, हमारे को कितना दे रखा है 17 पानी की बोतलों की जो कॉस्ट प्राइस है वो है आपकी कितने, कुछ दे ही नहीं रखा मतलब कि इक्वल बोली हुई। अच्छा चलो ठीक है, जो भी है इक्वल है तो ले लेते हैं इक्वली, चलो कोई बात नहीं। इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स, मतलब कि 17 पानी की बोतलों की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 16 पानी की बोतलों की बराबर है। तो यहां तो बहुत सिंपल सा है, पता चल रहा है जो कीमत 17 पानी की बोतलों की थी, मतलब जो हमने जिस कीमत को हमने 17 पानी की बोतलों में खरीदा 16 पानी की बोतल बेच के वो हमें मिल गई। ठीक है चलो ठीक है, बढ़िया है, जैसा भी है फायदा है लॉस है देखते हैं अभी, है ना। एक पानी की बोतल की कीमत यहां पर अभी जैसे हमें पता नहीं है बिल्कुल भी कितना हमारे को फाइंड द गेन परसेंट अर्न बाई डीलर्स, हमें कितना प्रतिशत वो कमा रहा है हमें ये बताना है। चलो देखते हैं कितना परसेंट वो कमा रहा है, उसके लिए तो हमें एक काम करते हैं अब जल्दी से बना लेते हैं पानी की बॉटल। ये हो गई हमारी वॉटर बॉटल। अब बच्चों वॉटर बॉटल हमें कितने रुपए की पड़ी है हमें पता ही नहीं है, है ना, वी डोंट नो ना पानी की बॉटल हमें कितने रुपए की पड़ी है। तो एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो पानी की बोतल की मान लो कॉस्ट प्राइस मैंने 1 रुपए ली, सिर्फ 1 रुपए मान ली मैंने अभी ऐसी कि पानी की जो एक बोतल है वो मुझे कितने रुपए की पड़ रही है, पानी की एक बोतल मुझे खरीदने में पड़ रही है 1 रुपए की। ठीक है भाई, एक बोतल इतने रुपए की है ना, तो 17 पानी की बोतल 17 रुपए की पड़ी होगी, है ना। अगर मैं बात करूं 17 बॉटल्स की, बात करूं 17 बॉटल्स में बना तो सकता नहीं हूं, 17 बोतलें तो नहीं बना सकता, लेकिन अगर एक पानी की बोतल 1 रुपए की है तो 17 पानी की बोतल 17 रुपए की होगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स। अब भाई अगर 17 रुपए की है मेरी 17 बोतलें, मैं 16 बोतलों को बेचकर इतना रुपए कमा रहा हूं, 16 पानी की बोतलों को बेचकर मैं 17 ही रुपए कमाऊंगा। यहां पर यह है देखो ध्यान से समझना, देखो 17 पानी की बोतलों की कॉस्ट प्राइस क्या है, ये 17 बॉटल्स है इनकी कॉस्ट प्राइस 17 है ना, जितनी भी कीमत है इनकी उसी कीमत में मैं बेच रहा हूं, लेकिन 16 बॉटल्स बेच रहा हूं, 16 की 16 बॉटल्स। देखो समझाने का तात्पर्य क्या है, देखो 16 पानी की बॉटल्स ले लेता हूं, अब ले रहा हूं मैं 16 पानी की बॉटल्स। अब 16 पानी की बॉटल्स की कीमत कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस तो इनकी 16 ही होगी, है ना 16 ही रुपए, लेकिन बेच में कितने रुपए का हूं 17 रुपए का बेच रहा हूं। समझो इस बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं इस चीज को समझो, मैंने यहां पर सिंपल आपको बोला, मैंने क्या बोला यहां पर, उसने बोला 17 पानी की बोतल की कीमत, मैंने एक पानी की बोतल की कीमत 1 रुपए ली थी, 17 पानी की बोतलों की कीमत 17 रुपए होगी, और यहां पर मैंने 16 बोतल की बोला, 16 बोतलों की जो कॉस्ट प्राइस होगी जितने रुपए में मुझे पटेगी बोतल वो 16 रुपए, लेकिन मैं बेच कितने का 17 रुपए का, क्योंकि उसने बोला था जो 17 पानी की बोतलों की कीमत होगी उसी कीमत पे 16 बोतलें बिकेंगी, समझ रहे हो, जो 17 बोतलों की कॉस्ट प्राइस होगी उसी कीमत पे हमारी 16 बोतलें बिक जाएंगी। चलो ठीक है भाई, देखो यहां पर देखो कॉस्ट प्राइस इतनी है और हम इतने रुपए में ले लिया। देखो अगर ध्यान से इस केस को देखोगे सीपी हमारा आप देख सकते हो कितना है 16 रुपए और एसपी हमारा आप देख सकते हो कितना है 17 रुपए। सब बच्चों को पता है फायदा है ना, फायदा, लेकिन हमें बताओ कितना परसेंट फायदा ये जानना। चलो निकालते हैं कितना परसेंट फायदा हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं गेन या फिर प्रॉफिट बोल लो परसेंटेज निकाल लेते हैं, मैं प्रॉफिट ही लिखना पसंद करता हूँ ज्यादा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ऊपर रखते हैं प्रॉफिट नीचे रखते हैं सीपी और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है देखते हैं और कितना फायदा हो रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ है अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट हमें पता ही नहीं है, हमें पता है कि 16 बोतलों को हमने 16 रुपए में खरीदा और बेचा है 17 रुपए में, तो प्रॉफिट हमारा कितने रुपए हुआ एक बार देख लेते हैं, वहां तो साफ पता चल रहा है 1 रुपए का प्रॉफिट है, एसपी माइनस सीपी आप निकालोगे तो 1 रुपए का प्रॉफिट है।
है ना, प्रॉफिट एक ही रुपए का आ रहा है, तो एक रुपए का ऊपर आ गया, एक रुपए का प्रॉफिट है। ध्यान से देखो, एक रुपए का ही प्रॉफिट है। और सीपी मतलब कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो 16 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100। चलो देखते हैं कितना कटता है, कैसे आता है आंसर। रुपया से तो रुपया कट गया, 16 को 100 से डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं, चलो इतना लंबा नहीं ले जाते, इसे डिवाइड कर देते हैं 16। और 16 को नहीं आता करना, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, तो काट लो पहले ये 4 के टेबल से, ये 4 के टेबल से 4 बारी में और ये 25 बारी में, अब इन्हें डिवाइड कर लो, ये 25 और ये 4, 4 6 जा 24 0.0, 4 2 जा 8 0, 4 5 जा 20 6.25। देखो मैंने इसको इससे काटा 6.25, तो आपको पता है 6.25 को 1 से करोगे 6.25 ही आएगा, और ये आ गया परसेंटेज। मतलब कि ये जो डीलर है जो बोतलों को बेच के पैसा कमा रहा है वो कितना परसेंट फायदा कमा रहा है, 6.25% ये पैसा अपना गेन जो है वो कमा रहा है। ठीक है, अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो देखो ध्यान से, अगर आप लोग बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि 16 पानी की जो बोतल है वो 17 रुपए की बिकेंगी, देखो बोला क्या उसने, जो भी सेलिंग प्राइस होगा ना 16 बोतलों का वो किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस 17 बोतलों का। एक बोतल की कॉस्ट प्राइस 1 रुपए थी, तो 17 बोतलों की कॉस्ट प्राइस 17 रुपए थी। जो 17 बोतलों की कॉस्ट प्राइस है वो ही आपका 16 बोतलों की सेलिंग प्राइस होगा, यहां पर ये इस स्टेटमेंट ने बोला हुआ। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए आप लोग। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों बोर्ड पे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स, मतलब सीपी ऑफ 12 कैंडल्स, 12 कैंडलों की जो कीमत होगी वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, एसपी ऑफ 15 कैंडल्स। बढ़िया है, चलो बच्चों हमें तो पता नहीं एक मोमबत्ती कितने की, तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो लेट सपोज एक मोमबत्ती बना लेते हैं। बच्चों ये जो मेरी एक कैंडल है मैं नहीं जानता कितने रुपए की है, तो मैंने बोल दिया चलो एक कैंडल को ले लिया 12 रुपए की, सॉरी 1 रुपए की। एक कैंडल कितने रुपए की ले ली, एक कैंडल है बच्चों तो मेरी 1 रुपए की होगी। अब यहां पर 12 कैंडल की बात हो रही है, 12 कैंडल्स कितने रुपए की होगी, 12 रुपए की होगी, 12 रुपए की होगी बच्चों, चलो ठीक है 12 कैंडल्स 12 रुपए की होगी। ठीक है, अब यहां पर बेच कितनी कैंडल रहे हैं, 15 कैंडलों को बेच रहे हैं, भाई हमारी 15 कैंडल बिक रही है, चलो बिक रही है, हमारी बिक रही है कितनी 15 कैंडल्स, 15 कैंडल्स। अब दिक्कत है, ध्यान से देखो यार, 12 कैंडल्स अगर 12 रुपए की है तो 15 कैंडल्स की सीपी क्या होगी, भाई 15 रुपए, सिंपल। लेकिन हम बेच क्या रहे हैं बच्चों, देखो ध्यान से, जो 12 कैंडल की सीपी है, जो 12 कैंडल्स की कॉस्ट प्राइस है, उसी कीमत पे हम 15 कैंडल्स को बेच रहे हैं। ठीक बोला ना क्वेश्चन ने, भाई 12 कैंडल्स की सीपी क्या है, 12 रुपए, तो हम 15 कैंडल्स को इसी रेट पे बेच रहे हैं। देखो 12 कैंडल्स की सीपी, 12 कैंडल्स की सीपी और 15 कैंडल्स का एसपी, 15 कैंडल्स का एसपी बराबर है। यार देखो कैंडल्स तो 15 रुपए की थी, बिक गई 12 रुपए की, बड़ा लॉस हो गया है। देखो ध्यान से, अगर हम देखेंगे सीपी हमारा कितने रुपए, यहां पर 15 रुपए का है, कैंडल्स हमारी 15 रुपए की पट रही है, हमें हम बेच कितने रुपए की रहे हैं, हम बेच रहे हैं आपका 12 रुपए की। साफ पता चल रहा है हमें घाटा हो गया है, तभी तो क्वेश्चन कह रहा है लॉस परसेंट निकालो। तो बच्चों लॉस परसेंट को हम निकाल लेंगे बड़ी आराम से, ऊपर लॉस, नीचे आएगा आपका सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस कितने का हुआ है ये आप लोग निकाल सकते हो, यहां पर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना है, कॉस्ट प्राइस 15 रुपए, सेलिंग प्राइस 12 रुपए, निकल जाएगा 3 रुपए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ठीक है। और सीपी आप देख सकते हो कितने रुपए है, सीपी आपका 15 रुपए है मल्टीप्लाई बाय 100। 1 रुपए मानी मैंने कीमत, इसीलिए और कोई नंबर मत मानना, 1 रुपए सही रहता, 1 से रुपया से रुपया कट गया, 3 1s 3 5s है ना, अब ये दोनों 5 के टेबल से कट रहे हैं, 5 1s 5 20s, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 20 को 1 से करेंगे तो आएगा 20 और आ गया परसेंट। इसका मतलब अगर मैं 15 कैंडलों को 12 रुपया में बेच रहा हूं तो मुझे घाटा हो रहा है, और कितना परसेंट हो रहा है, 20% का घाटा। जल्दी से कर लीजिए,
तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ते हैं। अ डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर रुपीज 1080 गेनिंग 1/8 ऑफ इट सीपी। बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक ना डीलर है जो कि ना एक कैमरा को बेच रहा है। बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहा हूं क्योंकि इसके बीच में जितने भी क्वेश्चन है मैं लास्ट में कैमरा पे आपको एक बार शो कर दूंगा, वो सारे क्वेश्चन सेम जैसे हैं। आप लोग एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा और जो ना हो तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। एक डीलर है जिसने एक कैमरा को ना बेचा है 1080 रुपए का। तो भाई हमारा कैमरा है, जल्दी से हम बना लेते हैं कैमरा अपना, बना ले बच्चों। तो जल्दी से हम अपना कैमरा बना लेते हैं बढ़िया सा। अरे यार हमारा कैमरा थोड़ा बढ़िया होना चाहिए भाई। दो तीन बटन है यहाँ पर और जो भी यहाँ पर बटन और डिस्प्ले होगी हमारा कैमरा ये रहा। कैमरे को हम बेच रहे हैं बच्चों 1080 रुपए का। चलो भाई बेच देंगे 1080 रुपए, अपने ही कैमरा बेच देंगे जो मर्जी करे। हमने कैमरे को 1080 का बेचा है। अब बच्चों वो कह रहा है हम इसमें फायदा कमा रहे हैं, फायदा जो कमा रहे हैं ना वो 1/8 है उसके सीपी का। यार मुझे पता ही नहीं मैंने कैमरा कितने रुपए का खरीदा, जानते हो आप लोग? तो लेट मान लेते हैं सीपी ऑफ कैमरा। भाई मेरे को नहीं पता कैमरा मुझे कितने रुपए का पड़ा है ना, मैं तो नहीं जानता कैमरा मैंने कितने रुपए का खरीदा। तो मैंने मान लिया इसे एक्स रुपए का। कितने रुपए का कैमरा खरीदा मैंने, एक्स रुपए का मान लेते हैं। मानने में किसी का कुछ नहीं जाता, ठीक है? देखो बच्चों मुझे पता है एक्स रुपए का मैंने कैमरा खरीदा और उसे बेचा है 1080 रुपए का, बेच दिया। और यहां पर क्वेश्चन ने बोला भी है आप फायदा कितने रुपए कमा रहे हो, वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस का 1/8, ठीक है भाई। हमारा जो गेन है मतलब जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट कितना है हमारा, देखो प्रॉफिट क्या कह रहा है, प्रॉफिट क्या है 1/8 ऑफ सीपी, ये लिखा है ना, गेनिंग 1/8 ऑफ इट सीपी, मतलब कि जितना भी कॉस्ट प्राइस है उसका 1/8 कमा रहा है वो फायदा। तो यार 1/8 की जगह 1/8, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और सीपी की जगह पर एक्स आ गया, एक्स रुपया जो भी है ना। तो बच्चों इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रुपये, एक्स को 1 से करेंगे एक्स और नीचे आ गया 8, इतने रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। अब इतने रुपए का फायदा हो रहा है और यहां पर हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस भी हमारे पास है। आप लोग देख सकते हो सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा भी हमारे पास है। सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा कितना रुपए हमारे पास, 1080 रुपए। यार अब दिक्कत है सर हम करें क्या, फिर सॉल्व क्या करें हैं? ध्यान से देखो हम कैसे निकाले, हमें निकालना क्या, फाइंड द सीपी, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है कैमरा की कितने। मुझे पता है कैमरा मैंने कितने रुपए का खरीदा, एक्स रुपए का। कैमरा मैंने बेचा कितने रुपए का, 1080 का। कैमरे को बेचते वक्त मुझे फायदा कितने रुपए का हो रहा है, तो बच्चों फायदा भी निकाल लिया मैंने एक्स अपॉन एट। क्वेश्चन ने बोला था 1/8 ऑफ सीपी का इसको फायदा हुआ है, गेनिंग 1/8 ऑफ सीपी, गेनिंग का मतलब प्रॉफिट उसे इतने का हो रहा है, वही मैंने निकाला। तो यार सब कुछ है, मैं कैसे निकालू, मैंने आपको बोला था अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए कि हम कैसे करें तो याद रखना आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होगा। देखो ये पार्ट मुझे पूरा गिवन है ना, ये दोनों तो माने हुए है ना, माने हुए। देखो इसको मैंने एक्स माना, इसको भी मेरी एक्स के हिसाब से, ये मेरा दे रखा है। यार एसपी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था कि यार सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारे प्रॉफिट वाले केस में होता है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, यही होता है फॉर्मूला, इज इक्वल टू यही आएगा। जब भी किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे रखी हो उसके फॉर्मूले को नीचे पुट करते हैं। सीपी कितना है बच्चों आप देख सकते हो, एक्स रुपए प्लस प्रॉफिट कितना हुआ उसे, एक्स अपॉन एट हुआ है। बाकी ये आ गया आपका सेम 1080 रुपया, हटा दिया मैंने सब में, यहां इसके नीचे कुछ नहीं है आपको पता है, वन मान लेंगे है ना। इनका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, एलसीएम आएगा इनका 8, यहां पे आ गया 1080। वन के टेबल में ये 8 कितनी बारी में आता है, ध्यान से देखो बच्चों 80 बारी पे आता है ना। इसके टेबल में ये कितनी बारी में आता है, 8 बारी में। 8 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8x, प्लस की जगह प्लस। इसके टेबल में ये कितनी बारी में आता है बच्चों, 1 बारी पे आता है। 1 को अगर ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहां पर 1x, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, 8x और x, 1x को जोड़ेंगे आएगा 9x अपॉन में 8 इज इक्वल टू 1080, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है 9 तो हो रहा है मल्टीप्लाई और 8 हो रहा है डिवाइड, क्योंकि वो नीचे है तो जो ऊपर है उसे नीचे, जो नीचे उसे ऊपर भेज देते हैं, कर देते हैं आगे
देखो ध्यान से, थोड़ी जगह नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक्स यहीं पर रखा बच्चों 1080 9 यहां पर ऊपर था, उधर जाकर नीचे चला गया। 8 यहां पर नीचे था, वहां आया तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं इसको 9 से काटूंगा ना, 120 वाली पकड़ गया 9 के नीचे, 1 की कोई वैल्यू नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 800 8 16 9 960। तो बच्चों x आ गया आपका, x आ गया आपका 960, मतलब कि cp आ गया, क्योंकि x आपका cp है ना, hence आपका cp आ गया है 960 रुपए। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, cp को आपने क्या माना था, रुपया x, यही माना था, तो रुपया की जगह रुपया x आ गया 960। मतलब कि बच्चों हमें पता चल गया है 960 रुपए का हमने कैमरा खरीदा था और बेचा इतने का, ठीक है। फायदा भी निकाल लेते हैं बच्चों, देखो प्रॉफिट भी निकाल लेते कितना आया है ना, यहां पर देख लेते बच्चों प्रॉफिट हमने कितना बोला है, हमने बोला है प्रॉफिट कितना हुआ है, रुपया x अपॉन में 8, यही बोला था फायदा, तो रुपया की जगह रुपया, x की जगह आ गया 960 और 8 की जगह 8। अगर आप इसे काटोगे बच्चों ध्यान से देखना, तो 8 1 8 12 120 रुपए का फायदा साफ, ठीक है, साफ साफ आ रहा है आपका 120 रुपए का फायदा। लो मुझे पता चल गया सीपी क्या था, प्रॉफिट कितना है मुझे ये भी पता चल गया। अब देखो दूसरे में बोल रहा है वो गेन परसेंट निकालो, तो बहुत सिंपल है बच्चों, दूसरे में गेन परसेंट निकालना वो भी निकाल लेंगे आराम से। तो चलिए पहला वाला पार्ट तो मैंने कर दिया, देखो यहां पर पहले वाले पार्ट को सॉल्व किया, ये आ गया। अब दूसरे वाले पार्ट में बोला गेन परसेंट, तो बच्चों गेन परसेंट मतलब वही प्रॉफिट परसेंट, इसका फॉर्मूला आपको पता है, ऊपर रखते हैं प्रॉफिट, आपको पता है प्रॉफिट कितना निकला है 120 रुपया, नीचे रखते हैं बच्चों सीपी, और सीपी कितना है बच्चों, अब यहां से देख लो, अब 960 आया और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो करते हैं मल्टीप्लाई, आगे बढ़ते हैं फिर स्पीड में बच्चों, जीरो से तो जीरो कट गया, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 12 के टेबल से दोनों कट रहे हैं, 12 12 12 8 96, ठीक है। अब अगर काटे हम, देखो ये 8 के टेबल और ये दोनों कट रहे हैं किसके टेबल से, 4 2 8 और 4 25, और अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 12.5 आ रहा है, तो मतलब कि हमारा आंसर आ गया 12.5%। मतलब मेरी दोनों चीजें आ गई बच्चों, मेरा जो कैमरा बिका है ना बच्चों, मेरा जो कैमरा बिका है, सॉरी ये जो भी कैमरा मैंने बेचा है, उसकी हमारी कॉस्ट प्राइस निकली है 960 रुपए, 960 रुपए का कैमरा मैंने खरीदा, और 960 का खरीद के मैंने जब उसे 1080 रुपए का बेचा, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसे पूरा उतार लिया होगा। अब मैं करता हूं वीडियो का एंड, तब तक के लिए बच्चों अगर आपको डीमैस की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वीडियो का एंड करने से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन जरूर दिखाऊंगा, तो जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं बच्चों। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, अच्छे से सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, पूरे के पूरे 15 क्वेश्चंस हैं, और मैं अभी आपको थोड़ा और भी दिखाता हूँ क्वेश्चन। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये हमारे बाकी के क्वेश्चंस हैं, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब इस वीडियो का एंड करते हैं। ये बच्चों आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा प्लीज़, और जो क्वेश्चंस मैंने छुड़वाए हैं उन्हें भी ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं हो पाते तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए बाकी क्वेश्चंस की वीडियो भी ले आऊँगा। तब तक के लिए बाय।